बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आओ लिखें कश्ती वाले हरूफ उर्दू तिफ़िल के साथ। नाव या कश्ती वाले हरूफ उर्दू हरूफ तहजी से कौन कौन से हैं? ये हैं नौ नाव वाले हरूफ, बे पे ते, टे से फे, काफ गाफ बड़िए। अब इनको लिखा कैसे जाएगा, आइए देखते हैं। ये है बे की नाव और बे की नाव के नीचे एक नुक्ता है, पे की नाव के नीचे तीन नुक्ते हैं, ते की नाव के ऊपर दो नुक्ते हैं और टेकी नाव के ऊपर है छोटी तोए, से की नाव के ऊपर तीन नुक्ते हैं और से के बाद है फे की बारी और फे की नाव हमेशा एक गोल से शुरू होगी और नाव पे ख़त्म होगी और फेकी नाव के ऊपर एक नुक्ता होगा गोल पर। फेकी नाव के बाद बारी है काफ की और काफ की नाव हमेशा ऐसे बनेगी एक कश के साथ और गाफ की नाव अगर होगी तो उसके ऊपर एक कश और लग जाएगा, यानी दो कश की गाफ की नाव बनेगी। अब बारी है बड़ी ए की और बड़ी ए की नाव कैसे बनेगी, बड़ी ए की नाव ऐसे बनेगी स्टीमर के जैसी है, ये है बड़ी ए की नाव। सारी नाव देख ली आपने, अब यहाँ देखिए क्या है। एक नानी ने दो नैन दिखा के नौ नाव वाले हर्फ पढ़ाए, दस हैं नुक्ते, नौ हैं नाव, एक गोल और तीन है कश। एक तो ये भी लश पश ऊपर नीचे सजे हुए हैं, एक कतार में लगे हुए हैं। एक नुक्ता है बे के नीचे, तीन हैं नुक्ते पे के नीचे, दो नुक्ते हैं ते के ऊपर, छोटी तोए भी एक नाव पर, तीन हैं नुक्ते से के ऊपर, फे की गोल पे एक नुक्ता है, एक कश की काफ की नाव, दो कश की है गाफ की नाव, बड़ी ये की बात बड़ी है, सबको लेकर साथ खड़ी है। एक नानी ने दो नैन दिखा के नौ नाव वाले हर्फ पढ़ाए, दस हैं नुक्ते, नौ हैं नाव, एक गोल और तीन है कश। एक तोए भी लश पश ऊपर नीचे सजे हुए हैं, एक कतार में लगे हुए हैं। एक नुक्ता है बे के नीचे, तीन नुक्ते हैं पे के नीचे, दो नुक्ते हैं ते के ऊपर, छोटी तोए भी एक नाव पर, तीन हैं नुक्ते से के ऊपर, फे की गोल पे एक नुक्ता है, एक कश की काफ की नाव, दो कश की है गाफ की नाव, बड़ी ये की बात बड़ी है, सबको लेकर साथ खड़ी है। तालियां।
आज की वीडियो का इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानल्लाह।